नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं के साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उत्तर प्रदेश में मिली हार को लेकर सफाई पेश की है और पार्टी के सामने हार की नैतिक जिम्मेदारी के साथ कई कारण भी गिराए। लोकसभा चुनाव में संगठन के लचर चुनावी प्रबंधन का जो खामियाजा सामने आया है उसे लेकर हाईकमान काफी नाराज है। सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष ने नड्डा के सामने पार्टी के हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कई कारण गिनाए। दोनों नेताओं के बीच चुनाव परिणाम को लेकर गंभीर चर्चा हुई जिसका परिणाम अगले महीने में संगठन के बदलाव के तौर पर सामने आ सकता है। तो मिली हार को लेकर सफाई पेश की नैतिक जिम्मेदारी के साथ कई कारण इन्होंने गिनाए हैं और दोनों नेताओं के बीच में खास मुलाकात यू सकते हैं कि देखने को मिली। भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और इस बीच उत्तर प्रदेश में हार की आखिर क्या वजह रही, इस बीच भूपेंद्र चौधरी ने नड्डा के सामने सफाई भी पेश की और अपनी नैतिक जिम्मेदारियां जो है उसके साथ उन्होंने कई सारे कारण भी गिराए। तो भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से मुलाकात, चुनाव परिणामों को लेकर गंभीर चर्चा हुई है कि आखिर क्या कारण रहा, पार्टी की तरफ से किस तरह की कमी आई जिस तरह से इस तरह के परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। इन तमाम बातों को लेकर दोनों के बीच गहनता से चर्चा हुई और काफी खास मुलाकात मानी गई भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से। आपको बता दें लोकसभा चुनाव की 80 सीट में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में और ऐसे में यहां पर चुनाव को लेकर कई जगह पर हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को और उन्हीं हार के कारणों की पहले तो समीक्षा की गई और अब जेपी से मुलाकात की गई, गहनता से इस संबंध में चर्चा की गई को लेकर भी यहां पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी ने सफाई की जेपी नेताओं के बीच बात की गई। तो भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा मुलाकात की, आपको बता दें चुनाव परिणामों को लेकर भी गंभीर गहनता से चर्चा हुई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी पर रुख करेंगे। पवन, पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, आखिर इस मुलाकात के क्या मायने जा रहे हैं? देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश का तो इस बार का जो परिणाम रहा उस परिणाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित रही क्योंकि इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगी हुई थी कि मिशन 80 में बहुत ज्यादा होगा, दो चार सीटें कम हो सकती हैं क्योंकि इससे पहले इन्होंने करीब 62 सीटें हासिल की थी, उसके बाद उपचुनाव में एक सीटें इनकी 63 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली थी। लेकिन इस बार जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश लगी रही उस उम्मीद का आधा भी मिल पाना बड़ा मुश्किल हुआ। उसके कारणों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 40 टीम बनाई थी और जितने भी लोकसभा क्षेत्र है उसमें पिछले एक हफ्ते से इन टीमों के माध्यम से हार के कारणों की जानकारी ले रही थी। इस जानकारी में प्रदेश अध्यक्ष खुद भी लगे थे, अयोध्या सहित कई स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष जाकर के उस बारीकी से हार के कारणों की जानकारी ले रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो समस्या आई है इसमें बहुत सारे इनपुट आए हैं और संगठन को भी, सरकार को भी और जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने भी बताया। ऐसा माना जा रहा है कि संगठन और कार्यकर्ता के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीतरघात कर गए, वो पार्टी के साथ होते हुए भी अन्य लोगों के साथ वार्ता बनाए रखे और पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जिससे कि पार्टी को इस तरह की हार का सामना करना पड़ा। लेकर के अभी जो
प्रदेश अध्यक्ष ने वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो उन्होंने आया है उस अपडेट में अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो कार्य है अधिकारियों की मनमानी और जो कार्यकर्ता है कुछ कार्यकर्ता जो अपने मन से अन्य पार्टियों के सपोर्ट में आ गए उनके टच में रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो संविधान को लेकर के बदलाव का जो मामला सामने आया था उसमें ऐसा माना जा रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और बहुत सारे दलित या ओबीसी लोगों को भी ऐसा लगा कि अगर संविधान में इतना बड़ा बदलाव होगा तो उसका फायदा सबको नहीं मिल पाएगा, जिसको लेकर के ये जो बदलाव आया उसमें बड़ी भूमिका रही संविधान को लेकर के। इसमें एक बयान आया था कि अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है इतने सांसद के आते हैं तो संविधान में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बात को लेकर के जिस तरह से पब्लिक में निचले स्तर पे जो बात आई जो विपक्षी पार्टियों ने इसको आड़े हाथे लिया और सबको इस तरह से सपोर्ट कर दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी या एससी और उसमें बसपा का कोर वोटर पूरी तरह से खिसक कर विपक्षी दलों में शामिल हो गया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से हार का सामना करना पड़ा। काजल बिल्कुल पवन, यहाँ पर कहीं ना कहीं परिणाम तो जिसकी उम्मीद थी वैसे नहीं आ पाए बीजेपी की तरफ से। अब अगला स्टेप क्या नजर आ रहा है अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए? देखिए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी संगठन किए लोग बैठक करके बातचीत कर चुके हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता या जो भीतरघात के लोग हैं उनको चिन्हित करने का काम कर रही है। इसके बाद संगठन और सरकार में बहुत सारे बदलाव हैं जिसको ऐसा माना जा रहा है कि ये 15 जुलाई के बाद इस तरह के बदलाव संगठन सरकार में होंगे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री हैं जो विधायक हैं इन लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया उनके क्षेत्र में ही जब भारतीय जनता पार्टी उनके बूथ में उनके विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा उनके यहाँ के जो वोट है वो नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के बजाय उनको हटाएगी और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी महती भूमिका निभाया भारतीय जनता पार्टी को काफी सपोर्ट किया है उन लोगों को सम्मान देने का काम करेगी। अभी जैसी चर्चा आ रही है सामने की 15 जुलाई के बाद संगठन में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद बताई जा रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको हटाया जाएगा और नए लोगों को लाया जाएगा जिससे पार्टी को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। क्योंकि आगे आने वाला जो 2027 का जिस तरह से चुनाव में इनको आना है उसको देखते हुए पहले अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें मजबूती से सामने आ सके। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का हौसला बुलंद है उस तरह से 2027 का चुनाव अभी जो फिलहाल की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने को नहीं देख पा रही है, उस अपने को सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। निचले स्तर पर लोगों को कार्यकर्ताओं को संगठन में सरकार में जो बदलाव करना जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उनको हटा करके अच्छे लोगों को ला करके और जनता से आपस में सरकार और संगठन का जो संवाद है जो उनका जुड़ाव है उसको जोड़ेगी और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करेगी जो कमियां होगी उसको सुधारने का प्रयास करेगी जिससे कि 2027 का जो विपक्षियों का मंसूबा है उस पर नाकाम रहे और इनको अपने आप को मजबूत खड़ा हो सके 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी जीत करा सके। बिल्कुल पवन, यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए बदलाव तो देखने को मिलेगा जैसा कि आप बता रहे हैं कि नए चेहरों को भी मौका मिलेगा, क्या लगता है अनुभव चेहरे नए चेहरे परिवर्तन लेकर आ पाएंगे? बिल्कुल काजल, देखिए सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में बहुत सारे लोग समझदार और अनुभवी हैं, जो बहुत सारे लोग इग्नोर हैं जो किनारे पे हैं कार्यकर्ता हैं प्रभारी हैं प्रदेश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन लोगों को बहुत सारे दायित्व दिया गया और अपने दायित्व पर हमेशा खड़ा उतरे हैं। अभी भी ऐसा माना जा रहा है बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं जिनकी अनदेखी हुई है जिनको नहीं दिया गया है और वो काफी मजबूत और सशक्त है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन लगा दिया है उन लोगों ने और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल मन तन मन धन से पूरी तरह से खड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को सही जिम्मेदारी मिलेगी सही जगह पर उनको रखा जाएगा तो पार्टी के लिए हमेशा हितकर होंगे और पार्टी के लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी जगह पार्टी ने अपने आप को अच्छे कार्यकर्ता को रख करके उसका फायदा लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राजनीति और संगठन की पूरी तरह से न समझती है कि कब कैसा डिसीजन लेना है। जिस तरह का जो परिणाम आया इस परिणाम को लेके हाई कमान भी काफी चिंतित है और इसमें मंथन चल रहा है, लगातार मंथन जारी है कि जो कमियां हुई है उसको किस तरह से सुधार किया जाए, क्योंकि अगर सुधार नहीं होगा तो आगे आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिन होगा।
इस समय को सुधारने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो सरकार में लोग हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि सरकार भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हार के बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको लेकर के काफी तेजी किया है, चाहे वो भर्ती बोर्ड को लेकर के देखा जाए, जो युवकों की भर्ती होनी थी, या जो पब्लिक की जो जनसुनवाई होनी थी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जिले स्तर पे निपटा स्थिति होती है। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों के साथ बैठक करके सबको निर्देशित किया है कि जो पब्लिक की समस्या है उसको प्राथमिकता के तौर पर दिखाया जाए, उसको जो है काम किया जाए, लोगों के जो पब्लिक की समस्या है उसको सुना जाए। बिल्कुल जाहिर बात है कि चूंकि जिस तरह के परिणाम आए इसमें कहीं ना कहीं से पब्लिक बिल्कुल नाखुश है, नाराज है। चूंकि इस तरह का परिणाम तभी आता है जब पब्लिक बल्क में नाराज होती है। 35 सीट पे बीजेपी को सिमट जाना 62 से, तो ये बड़ी हार का एक मिसाल है, जिसको लेकर के अपने को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए अब कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा उसको देखते हुए अब पार्टी में कहीं ना कहीं कई सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा।